भारत बनाम बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा एशिया कप का फाइनल मैच बहुत ही रोमांचक चल रहा है। फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.3 ओवर में 222 रन पर सिमट गई। भारत को जीतने के लिए 223 रन का लक्ष्य मिला है। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम को ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन और रोहित शर्मा ने सदी हुई शुरुआत दी। इसी के बीच शिखर धवन पांचवें ओवर की चौथी बॉल पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। शिखर धवन के रूप में भारत को पहला झटका नजमुल इस्लाम ने दिया। उन्होंने शिखर धवन को सौम्य सरकार के हाथों कैच आउट कराकर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। लेकिन इस्लाम ने शिखर का विकेट लेने के बाद ऐसा सेलिब्रेशन किया मानो जैसे उसी वक्त मैच ही जीत लिया हो। शिखर धवन का विकेट लेते ही वह शिखर की ओर देखकर नागिन जैसे सेलिब्रेशन करने लगे। आपको बता दें कि इस्लाम के इसी ओवर में रोहित शर्मा ने पहली बॉल पर उनको छक्का और तीसरी बॉल पर शिखर धवन ने चौका लगाया था। इस्लाम का यह सेलिब्रेशन किसी को भी पसंद नहीं आया। दोस्तों, आप इस्लाम की इस हरकत को ठीक समझते हैं या नहीं, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।